आप सभी का चैनल में स्वागत है और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है आंध्रा पेट्रो लिमिटेड। ये एक केमिकल की कंपनी है और केमिकल के देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स भी पास्ट में उन्होंने दिया है। तो इस पर मेरी नज़र पड़ी, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और थोड़े से क्या कहते हैं रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए इस बार के क्वार्टर के। और तो देख लेते हैं आगे इसमें हमें क्या करना चाहिए। आइए हम मोटा मोटी कुछ चीज़ें देखते हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि इस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो आप उससे अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपको इसमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए स्टॉक को कि नहीं रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 52 वीक हाई था 99.40 रुपीज़ का और लो बनाए थे 38 रुपीज़ का। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में लोग कह रहे हैं कि 50% बाय कर लीजिए और 50% कह रहे हैं कि सेल कर लीजिए। मार्केट कैप कंपनी है 484 करोड़ की, माइक्रो कैप है और EPS है इसका 7.725 रुपये, पी है इसका 7.86 का, बुक वैल्यू इसका 18.55 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.07 का और इंडस्ट्री पी है 6.61 की, डिलीवरेबल है 72%, जो कि बहुत ही अच्छी है, लोगों ने भर भर के रखा है और फेस वैल्यू है 10 रुपये की। और यहाँ पे देखिए हमने पी देख ही लिए हैं और देखते हैं 5 सालों में इसने रिटर्न कैसा दिया। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपये लगाए होते इस स्टॉक में तो आपका पैसा कितना हुआ होता। ये देखिए, इफ़ आई हैड मेड लमसम रुपीज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स आफ्टर 60 मंथ्स, माई इन्वेस्टमेंट वुड बी वर्थ 6,85,096 रुपीज़। मतलब 585% का गेन है, मतलब बढ़ाता आपको मिली। तो इसके रिजल्ट्स जो 5 सालों के हैं, और सॉरी रिजल्ट नहीं, जो इसका रिटर्न है 5 सालों का बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आगे आइए कुछ और देख लेते हैं अलग वेबसाइट्स में। आंध्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ ऑक्सो अल्कोहल्स। द ऑक्सो अल्कोहल प्रोडक्ट्स आर इथिल हैक्सनॉल, नॉर्मल बुटनॉल एंड आइसो बुटनॉल फॉलोइंग आर द फैसिलिटीज ऑफर्ड बाई द कंपनी। स्टोरेज फॉर द रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स, स्टीम जनरेशन, डीजल पावर जनरेशन, सी वाटर कूलिंग टावर, रॉ वाटर स्टोरेज, APGPCL पावर शेयर, फायर एंड फोम टेंडर एंड ग्रीन बेल्ट। डाइवर्सिफाई कंपनी है केमिकल की। देखिए डिविडेंड इसने जो है 50 पैसे का लास्ट दिया था 13 सितंबर 2012 का, तो डिविडेंड नहीं दे रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सॉरी। इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल की हाउस प्राइवेट है, 1984 से काम कर रही है और माइक्रो कैप कंपनी हम बता चुके हैं। अपनी इंडस्ट्री में ये सेकंड पोजीशन पे है, तो गुड एवरेज क्वालिटी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ है 7.89% की, EBIT ग्रोथ है 75.23 की और नेट डेट इक्विटी है 0.45 और डेट टू EBITDA है नेगेटिव डेट, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से लेने लायक है स्टॉक। ROE है इसका 30.26%, ROCE है 45.40, जो कि ज़बरदस्त है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और फाइनेंशियल ट्रेंड है इसके 6, स्कोर इज 6 और रिटर्न हम 10 सालों का देखेंगे। 10 सालों में देखो 575% का रिटर्न है, बहुत ही बेहतरीन है। 5 सालों में 585 हम देख ही चुके हैं और 4 सालों में 418% का रिटर्न, ये भी ज़बरदस्त है। और 3 सालों में 360% का रिटर्न, ये भी ज़बरदस्त है। और 2 सालों में 120% का, ये भी बेहतरीन है। 1 साल में थोड़ा कम है, चूँकि हम मान सकते हैं कि माइक्रो कैप्स कंपनी पर पिछले 1 साल से सेंसेक्स में जो खतरा मंडरा रहा था, जब भी नीचे आता तो माइक्रो कैप कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता और बहुत नीचे तक टूट जाती थी, तो नो डाउट इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। और ईयर टू डेट 0.07 के नेगेटिव पे है, 6 महीने में भी 30% के नेगेटिव में है, 3 मंथ में 11% की बढ़ा था और 1 मंथ में भी अच्छी बढ़ा था, 11.2 बाउंस बैक कर रहा है, 1 वीक में 3.83% की बढ़ा था और 1 डे में 2.56 की नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। चलिए हम कर्ज़ा भी देख लेते हैं, इस कंपनी में कर्ज़ा कितना है। देखिए बोरोविंग्स जो है मार्च 17 में थी
56 करोड़ की, और नाउ इट्स मार्च 18 27.85, जो कि इन्होंने घटाया है। और देखिए सितंबर 18 दिसंबर 18 क्वार्टर के रिजल्ट्स में नेट सेल्स में बराबरी ही है, ज़्यादा कुछ प्लस में ही दिखाई दे रहा है 0.29%, और नेट प्रॉफिट में 31% की जो डाउन साइड है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 4.5% की डाउन साइड है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। और शेयर होल्डिंग में देखिए, देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग में एज इट इज जो सितंबर 18 में थी दिसंबर 18 में भी सेम है, और एक भी शेयर गिर भी नहीं है। प्लेस्ड प्रमोटर्स होल्डिंग नॉन। म्यूचुअल फंड्स की 4 स्कीम्स ने पैसा लगा रखा है, FIIs की 4 लोगों ने पैसा लगा रखे हैं, और हाई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं 47.88%, वो हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो अब दोस्तों ऐसे स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए? अब मैं तो सुझाव दूंगा, चूँकि केमिकल की कंपनी है और एक क्वार्टर के रिजल्ट्स ख़राब आने से मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पे भरोसा नहीं उठना चाहिए। अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और यही अच्छा समय होता है कि हम कुछ स्टॉक, अगर हमें केमिकल का पसंद है, और चूँकि प्रीमियम बेस का छोटा, चलिए मैंने प्रीमियम तो आपको बताया ही नहीं। और आज डेट है 8 मार्च 2019 और समय हो रहा है 4:25 जिस समय ये वीडियो बन रहा है, और आज फ्राइडे मार्केट क्लोज हो चुकी है, मंडे को ही खुलेगी। तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है करंट में 57 रुपये का, मतलब 57 का, और 1.5 रुपये के करीब नेगेटिव रिटर्न है आज का। दोस्तों मैं तो कहूँगा कि इसको थोड़ा सा लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, भरते रहिए, और आने वाले समय में जैसे पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, तो माइक्रो कैप की कंपनी है, कभी भाग सकती है। जब सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा तो माइक्रो कैप कंपनियाँ भी काफ़ी तेज़ी से भागती हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है एक एजुकेशनल पर्पज़ से हैं, हम लोग इसको पूरा एनालिसिस करते हैं, और आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।